₹15 लंच में ड्रॉप इंसेंटिव दे रहे हैं। आज का हमारा ऑर्डर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। पिकअप ड्रॉप मिला के 7.5 किलोमीटर के हमें पूरे ₹100 मिल गए। 13 किलोमीटर कितने रुपए? ₹150 मिल गए हमें, और ₹20 हैज बीन पेड, यानी कि ₹170 मिले हैं इस राइड में हमें। पिकअप ड्रॉप मिला के 21 किलोमीटर की तो ₹198 हमने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं। पोर्टर का हमने एक छोटा सा पार्सल ले लिया है, इसको 6 किलोमीटर लेके जाना है, ऊथम नगर से लेके जाना है इसको पालम। हेलो शुक्रबानी, मैं हुसैनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी, और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज फ्राइडे है और आज हम फुल डे करेंगे। जोमेटो करूंगा दिन में, वैसे जोमेटो में डिनर में हमेशा रात में करता हूँ, लेकिन आज दिन में करेंगे हम जोमेटो 12 से 4 घंटे जोमेटो करेंगे, और शाम को देखते हैं ऊबर भी करेंगे, पोर्टर भी करेंगे, और रैपिडो भी कर सकते हैं। तो फटाफट से आज का दिन का इंसेंटिव दिखा देता हूँ। दिन में ड्रॉप इंसेंटिव दे रहा है ₹15 पर ऑर्डर। तो मैंने लॉगिन भी कर लिया है, 12 बज चुके हैं, लॉगिन कर लिया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर भी आ गया है। तो फटाफट से इंसेंटिव दिखा के हमारा फर्स्ट ऑर्डर पिक करने चलते हैं जोमेटो का। फ्राइडे का ड्रॉप इंसेंटिव दे रहा है ये, ₹15 लंच में ड्रॉप इंसेंटिव दे रहा है। इसकी टाइमिंग है 12 से 4 बजे की, देखो 12:08 हो रहे हैं, मैंने लॉगिन कर लिया है, ऑनलाइन आ चुका हूँ। तो इसकी कंडीशन क्या है? 1 से ऑर्डर ज़्यादा डिनाइल नहीं करना, 0 कैंसिलेशन, और 1 से ज़्यादा इनकम्प्लीट गिग्स नहीं करनी, और दिन में 2 ऑर्डर तो कम से कम करने ही करने हैं, और 2 घंटे देने हैं 1 से 4 के बीच। तो अपन ये सारी कंडीशन कंप्लीट करेंगे, अपन को हर ऑर्डर पे ₹15 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखो मैंने लॉगिन भी कर लिया है, ऑनलाइन आ चुका हूँ, और ऑनलाइन आने के साथ ही मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया है। 1.5 किलोमीटर से पिकअप है, ड्रॉप भी अच्छा खासा है, और ये पहले ऑर्डर भी हमें ऑफलाइन कर रहा है, कैश लिमिट ब्रीच हो गई है। तो ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद, कस्टमर से कैश लेने के बाद कैश जमा कराना पड़ेगा। देखो मेरे पास कैश लिमिट मेरी क्या चल रही है, ₹2000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रखे हैं जोमेटो के, और 113 रुपये कैश लिमिट है। इतना ही अर्निंग में इतना कैश ले सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा का ऑर्डर होगा। तो चलो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, इसको पिक करने चलते हैं। 12:20 पे तपती धूप में आज का जोमेटो का फर्स्ट ऑर्डर पिक कर लिया, और इसको तिलक नगर से लेके जाना है कीर्ति नगर, 5.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। आज का हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 7 किलोमीटर के हमें ₹72 मिल गए। जब ये ऑर्डर आया था ₹60 का था, लेकिन अभी दिन में 20% सर्ज चल रहा है, तो ₹12 हमें सर्ज के मिल गए, प्लस ड्रॉप इंसेंटिव चल रहा है ₹15 पर ऑर्डर। तो वो ड्रॉप इंसेंटिव तो मंडे को ऐड होगा, जितने भी ऑर्डर होंगे उस हिसाब से ₹15 के हिसाब से वो ऐड हो जाएगा हमारा इंसेंटिव। तो ये ऑर्डर हमें लगभग ₹85 का पड़ने वाला है। अब कीर्ति नगर आ चुका हूँ, और कीर्ति नगर से दिखाता हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। राइट 1 बजे आज का ही सेकंड ऑर्डर पिक कर लिया, और इसको कीर्ति नगर से पश्चिम बिहार लेके जाना है, 4.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। आज का हमारा सेकंड ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 5 किलोमीटर के हमें ₹60 मिल गए। मात्र 20 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। अब कीर्ति नगर से विष्णु गार्डन आ गया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। आज का ही थर्ड ऑर्डर पिक कर लिया, और इसको रजौरी गार्डन से लेके जाना है जनकपुरी, 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। आज का हमारा थर्ड ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 6 किलोमीटर के हमें ₹56 मिलते हैं। 26 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, और आज का हमारा फोर्थ ऑर्डर भी आ गया है, छोटा सा ऑर्डर है ₹22 का, लेकिन ₹15 ड्रॉप इंसेंटिव दे रहा है, तो अपन को तो ये ऑर्डर ₹37 का ही पड़ने वाला है। चलो हमारा फोर्थ ऑर्डर आ गया, इसको पिक करते हैं फटाफट। आज का ही फोर्थ ऑर्डर भी पिक कर लिया है, ये भी 1.5 किलोमीटर दूर लेके जाना है जनकपुरी से, जनकपुरी, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। आज का हमारा फोर्थ ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 1.5 किलोमीटर के हमें ₹27 मिलते हैं। मात्र 10 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। अब मैं कह रहा था ना ₹22 का ऑर्डर है, ₹15 ड्रॉप इंसेंटिव मिल रहा है, लगभग ₹35 का पड़ेगा, और मुझे ₹30 कस्टमर ने टिप दे दी, तो ₹27 का तो ऑर्डर हो गया, क्योंकि 20% सर्ज भी तो चल रहा है, तो लगभग इस ऑर्डर में हमें ₹70 मिल गया। अब हमारा ऑर्डर नंबर 5 भी आ गया है, 1.5 किलोमीटर पिकअप, 1.5 किलोमीटर ही ड्रॉप है, ये भी ₹28 का ही है। तो चलो इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करते हैं फटाफट। आज के 5th ऑर्डर पिक कर लिया, और इसको 2 किलोमीटर दूर लेके जाना है जनकपुरी से, जनकपुरी लेके जाना है इसको, चलते हैं फटाफट से ही ड्रॉप करने। आज का हमारा 5th ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 3 किलोमीटर के ऑर्डर के हमें ₹33 मिलते हैं। मात्र 17 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, और आज का हमारा ऑर्डर नंबर 6 भी आ गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है, 6 किलोमीटर का है, पीरागढ़ी लेके जाना है जनकपुरी से, तो ऑर्डर पिक करते हैं फटाफट। आज का ये 6th ऑर्डर भी पिक कर लिया है, इसको डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी से लेके जाना है पश्चिम बिहार, 6.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। आज का हमारा ऑर्डर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 7 किलोमीटर के हमें ₹81 मिलते हैं। मात्र 22 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। अब यार बादल से हो रहे हैं, बारिश आने की उम्मीद लग रही है मुझे, तो बारिश आ जाए तो बढ़िया है, मौसम वैसे तो ठंडा ही हो रखा है,
और पश्चिम बिहार आ गए हैं। पश्चिम बिहार से दिखाता हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। आज का ये ऑर्डर नंबर 7 पिक कर लिया और उसको पश्चिम बिहार से हमारी फेवरेट जगह है ऊथम नगर लेके जाना है। 7 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप कर लें। ऊथम नगर में आपका स्वागत है। आज का हमारा ऑर्डर नंबर 7 भी कम्प्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 7.5 किलोमीटर के मैं पूरे 100 रुपये मिल गए। मात्र 22 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कम्प्लीट कर दिया। और भाई द्वारका में रेन सर चालू हो गया, मतलब द्वारका में बारिश आ रही है और बादल यहाँ तक पहुँच रहे हैं। यहाँ भी बारिश शुरू होने वाली है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज का हमारा ऑर्डर नंबर 8 भी आ गया है। उत्तम नगर में वही देते हैं छोटे छोटे ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर है, बर्गर किंग से ऑर्डर पिक करना है, वो रहा सामने बर्गर किंग। अब यहाँ उत्तम नगर में इतनी भीड़ भाड़ होती है ना, बड़ी दिक्कत होती है छोटे छोटे ऑर्डर डिलीवर करने में। चलो ऑर्डर पिक करते हैं फटाफट। 3 बजे ये ऑर्डर आया था मेरे पास और 3:40 पे पिक किया, मल्टी ऑर्डर कर दिया ये। तो एक को तो यही उत्तम नगर ही देना है और दूसरे को द्वारका लेके जाना है। मल्टी ऑर्डर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। 4 बजे तक की हमारी गिग्स बुक थी, 4:05 पे हमने ये अभी लास्ट ऑर्डर कम्प्लीट करा है जो कि एक मल्टी ऑर्डर था। द्वारका लेके आया हूँ, पिकअप ड्रॉप मिला के 6 किलोमीटर के आसपास का था और रेन भी चल रही है यार, रेन सर्च पे मिलना चाहिए। अरे वाह, रेन सर्च पे मिल गया 19 रुपये, 77 रुपये ऑर्डर अर्निंग, 96 रुपये मिल गए 6 किलोमीटर के, लेकिन पूरा 1 घंटा खा गया यार। और अब हमने जोमेटो की आईडी कर दी हमारी बंद, तो मेरे ये वाला इंसेंटिव कंप्लीट हो गया। देखो 15 रुपये मिल रहे थे हर ऑर्डर पे, मेरे 9 ऑर्डर किए हैं तो उस हिसाब से 135 रुपये तो हमें इंसेंटिव ही मिलेगा। और अभी तक मेरी गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी और देख लेते हैं। जोमेटो में हमने काम करते हुए कितनी गाड़ी चलाई है, ज़्यादा नहीं चली होगी यार, 43 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। और अब हम ऑन कर लेते हैं ऊबर और पोर्टर। तो ये पोर्टर में हम ऑनलाइन आ चुके हैं और अब ऊबर और एक बार ऑनलाइन कर लेता हूँ, इसको ऑफलाइन करके ऑनलाइन करता हूँ। अपडेट हुआ है और इसमें भी नोटिफिकेशन आ रहा था कि हर ऑर्डर पे 30 रुपये मिलेगा, तो ये ऊबर में भी ऑनलाइन आ जाते हैं। और अब हम करेंगे 4 बजे से जब तक भी हमारा इंसेंटिव वगैरह कम्प्लीट नहीं होगा। अरे वाह, सेल्फ़ी मांग रहा है, ले भाई सेल्फ़ी ले ले, कोई बात नहीं, हम सेल्फ़ी देंगे। ऊबर में भी हम ऑनलाइन आ गए, सेल्फ़ी दे दी। और आज का देखो ऊबर का इंसेंटिव दिखाता हूँ, आज जो इंसेंटिव चला रखा है ऊबर ने अपॉर्चुनिटीज़ में, देखते हैं। 5 राइड कंप्लीट करने पर 50 रुपये दे रहा है ऊबर, और फिर अगर 5 के बाद 3 और कर लेते हो तो फिर 50, 3 और कर लेते हो तो फिर 60, और 4 और कर लेते हो तो 60, लगभग 220 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है ये 15 राइड में। तो 5 राइड तो कम से कम करेंगे अपन। चलो दिखाता हूँ मैं मेरी फ़र्स्ट राइड या पार्सल कितनी देर में आता है। हेलमेट अपन दो दो साथ लेके आए हैं, एक अपने लिए और एक कस्टमर के लिए। राइड 5 बजे हैं, मैंने ये पोर्टर का एक पार्सल पिक कराया और इसको रोहिणी लेके जाना है, 13 किलोमीटर दूर लेके जाना। और इसी बीच में एक ऊबर की राइड भी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसको डिलीवर करके ऊबर की और पोर्टर की अर्निंग दिखाता हूँ मैं आपको। भाई 5:30 हो रहे हैं, पोर्टर की हमने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली है, पिकअप ड्रॉप मिला के 13 किलोमीटर की थी। अब 13 किलोमीटर कितने रुपये, 150 रुपये मिल गए हमें, और 20 रुपये हैज़ बीन पेड, यानी कि 170 रुपये मिले हैं इस राइड में हमें। 170 में से भाई अभी पोर्टर का कमीशन भी कटेगा 20%, कमीशन काटने के बाद देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं हमें। 13 किलोमीटर के हमें 136 रुपये मिल गए। और ऊबर में मैंने एक राइड कंप्लीट करी थी, वो थी 7 किलोमीटर की राइड थी, 7 किलोमीटर के इसने हमें 68 रुपये दिए थे, 64 दिए हैं। अब यहाँ से देखते हैं रोहिणी से हमारे पास ऊबर में या पोर्टर में कौन सी फर्स्ट राइड या पार्सल आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। 6:45 मैंने अभी एक ऊबर में राइड पिक किया है, ये नजफगढ़ लेके जानी है यार, बहुत दूर है, कम से कम 20-22 किलोमीटर की। ऊबर में बाइक टैक्सी कभी इतनी लंबी लेता नहीं हूँ, मैंने आज ले ली, मैंने चलो लेके देखते हैं 20-22 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर से पिकअप है, पिक करके फिर ड्रॉप करके इसकी अर्निंग दिखाता हूँ मैं आपको। ऊबर की सेकंड राइड हमने कंप्लीट कर दी, पिकअप ड्रॉप मिला के 21 किलोमीटर की, तो 198 रुपये हमने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं। हमें कितने देता है ये अभी पता लगेगा भाई, लास्ट ट्रिप के दिखाओ भाई हमें कितने रुपये दिए हैं। 198 तो हमने कस्टमर से लिए हैं। और नजफगढ़ आ गया भाई, नजफगढ़ से काम मिलना बड़ा मुश्किल है, ऊबर भी मुझे नहीं लगता कुछ देगा। ओहो 184 रुपये दे दिए, फिर भी सही है यार, 21 किलोमीटर के वही 9 रुपये भी मिले तब भी सही है यार, 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ही बहुत सही पैसे दे दिए। टाइम ज़्यादा नहीं लगा यार इसमें, एक्चुअल टाइम देखो कितने मिनट लगे इसमें, 46:57 में 184 रुपये की अर्निंग कर ली हमने। और किलोमीटर के वो 21.4, वही 22 किलोमीटर के आसपास की ट्रिप थी। अब नजफगढ़ से यार मेरे को उम्मीद नहीं है कुछ काम मिलेगा हमें, चलो दिखाता हूँ मैं अगर कुछ पार्सल आता है, नहीं तो यहाँ से मैं उत्तम नगर की साइड बढ़ूँगा धीरे धीरे। उत्तम नगर ही है यहाँ से 8-10 किलोमीटर। तो 7:10 पे ऊबर की मेरे पास एक और राइड आई है, थर्ड राइड है ये, उत्तम नगर आने के बाद है ये। उत्तम नगर से उत्तम नगर की राइड है, 3-4 किलोमीटर की है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आ रहे हैं अभी, इसको पिक करके ड्रॉप करके दिखाता हूँ इसमें कितने रुपये देता है हमें। 7:30 आज की ऊबर की थर्ड राइड भी हमने कम्प्लीट कर दी है, 5 स्टार दे देते हैं। 4 किलोमीटर की थी पिकअप ड्रॉप मिला के, मैंने कस्टमर से 39 रुपये मिल दिए हैं। और हमें कितने देगा भाई, दिखा फटाफट लास्ट ट्रिप के कितने रुपए दिए हैं,
अब मैंने इसलिए छोटी ले ली, 37 रुपये दे दिए 4 किलोमीटर के, ठीक है पिकअप ड्रॉप मिला के 4 किलोमीटर की थी, क्योंकि अपन को ये 5 राइड वाला इंसेंटिव कंप्लीट करना है, 2 राइड और रह रही है, 7:30 है ना, 10 बजे तक काम करेंगे, अभी 2.5 घंटे और काम करना है। तो चलो पोर्टर में तो कुछ आ नहीं रहा, पोर्टर हमारा सूना पड़ा है, पोर्टर को एक बार और रिफ़्रेश कर लेते हैं, ऊबर की 2 राइड तो करके ही जानी है ताकि इंसेंटिव मिले। चलो दिखाता हूँ मैं आपको मेरा ऊबर का पोर्टर का पार्सल कितनी देर में आता है। पोर्टर सुबह से गुड़गांव भेज जा रहा है, अब देखो सेक्टर 41 का दे रहा है, 304 रुपये का, लगभग 25 किलोमीटर का होगा यार। अब इस टाइम गुड़गांव जाने का कोई फ़ायदा नहीं, और कोई राइडर लेता भी नहीं है, देखो मिस होगी ये राइड। अगर दिल्ली की कोई राइड आती है ना तो ऐसे एक्सेप्ट करते फटाफट, और गुड़गांव साइड की होती ना तो कोई पिक ही नहीं करता, तो हमने भी छोड़ दी, क्योंकि यार इस टाइम गए गुड़गांव तो फिर अपन को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और वहाँ से वापसी में कुछ मिलता नहीं है तो खाली आना पड़ेगा, इसलिए हमने पोर्टर की गुड़गांव वाली राइड को जाने दिया। लो भाई गुड़गांव का तो लिया नहीं, पोर्टर का हमने एक छोटा सा पार्सल ले लिया, इसको 6 किलोमीटर लेके जाना है, ऊथम नगर से लेके जाना है इसको पालम, तो चलो इसको फटाफट ड्रॉप करके इसकी यार में दिखाता हूँ मैं आपको। 8:20 पे आज का पोर्टर का सेकंड पार्सल हमने कंप्लीट कर लिया, 120 रुपये ले लिए, 24 रुपये पोर्टर का कमीशन भी कट जाएगा, तब भी 120 में से हमें 90 रुपये तो मिलेंगे भाई, 94। पोर्टर के सेकंड पार्सल में हमें पिकअप ड्रॉप मिला के 7 किलोमीटर के हमें 96 रुपये मिल गए, पोर्टर पैसे सही देता है। और ऊबर में भी एक दो राइड आ रही थी, मैंने पिक भी कर ली थी, लेकिन वो लेट होने की वजह से राइडर ने कैंसिल कर दिया, ट्रैफिक में फंस गया था मैं ये पार्सल देने के चक्कर में, नहीं तो कीर्तिनगर की बहुत अच्छी राइड मिली थी मुझे। चलो कोई नहीं, ये पालम की साइड आ गए, दिखाता हूँ मैं आपको मेरा यहाँ से पोर्टर आता है या फिर रैपिडो या फिर ऊबर में राइड आती है। 9 बजे ऊबर की हमने ये 5th राइड भी कंप्लीट करी है, 3 किलोमीटर की थी, पिकअप ड्रॉप मिला के 3 किलोमीटर के भी 36 रुपये मिल गए, सही मिल गए, हमें कितने दिए इसने। अब इंसेंटिव के लिए एक राइड और करनी बाकी है मेरी, 5 राइड पे 50 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है ना, तो एक राइड और हो जाएगी, गोटू हम लगाए थे यार। अरे दिखा दे हमें कितने दे रहा है, 34 रुपये ही दिए हैं, चलो सही दे दिया यार 3 किलोमीटर के, तो एक राइड हुई और अपन चले घर, 10 बजे तक उम्मीद है हो जाएगी। ऊबर में तो हमारे पास राइड आई नहीं है, कि मछली की दवाई लेके जा रहा हूँ पोर्टर से, मछली का एक्वेरियम है, तो इसको 4.5 किलोमीटर दे के जाना है, वो द्वारका से द्वारका ही लेके जाना है, तो इसको फटाफट से ड्रॉप करके इसकी अर्निंग दिखाता हूँ मैं आपको। 9:30 बजे पोर्टर का हमारा 3rd पार्सल कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 5 किलोमीटर का था, 5 किलोमीटर के हमें 106 रुपये मिल गए, तो 106 में से पोर्टर का कमीशन 21 रुपये मान के चलो, लगभग हमें मिल जाएंगे 85 रुपये के आसपास। तो यार 5 किलोमीटर के 85 रुपये कौन देता है भाई, कोई नहीं देता, पोर्टर देता है। तो ये पोर्टर का 3rd पार्सल आ गया है, ऊबर में मैंने सेट डायरेक्शन लगा लिया है, कितने दिए दिखा दे यार, बहुत टाइम लगा था, 86 रुपये दे दिए, सही दे दिए यार 5 किलोमीटर के। अब 9:30 हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 10 बजे तक मुझे घर भेज दे ऊबर, ऊबर में सेट डायरेक्शन लगा रखा है, सेट डायरेक्शन की एक राइड आ जाए बस भाई। ऊबर में हमारी लास्ट राइड आ गई है, बिल्कुल सेट डायरेक्शन जनकपुरी की लगाया था, जनकपुरी ही लेके जाना है, भैया यहाँ वेट कर रहे हैं, इनको ले जाना है, 2 बंदे हैं यहाँ पे, 2 बंदों को लेके जाना है, वो कह रहे 2 बंदे चलेंगे, कह रहे नहीं, कह रहे दूसरा एक और राइडर बुक किया है वो आ जाएगा, फिर दोनों एक साथ जाएंगे, बस उसका ही वेट हो रहा है, उसके बाद ये लेके चलते हैं अपन जनकपुरी, और इसके बाद आईडी कर देंगे बंद, और फिर जब थका हुआ कितनी गाड़ी चलती है हमारी टोटल। 10:05 पे आज की हमारी लास्ट राइड 5th राइड भी ऊबर की कंप्लीट हो गई, पिकअप ड्रॉप मिला के 7 किलोमीटर की थी, 7 किलोमीटर के 72 रुपये हमने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है, और इसी के साथ हमारा इंसेंटिव भी पूरा हो गया, डायरेक्शन बंद कर देते हैं यार, उसने घर के पास पहुँचा दिया, ये अच्छा किया ऊबर ने। अब देखते हैं इस लास्ट राइड में हमें कितने रुपये दिए हैं भाई, लास्ट राइड का दिखा दो अर्निंग, 70 ही लिए मैंने, 78 रुपये मिल गए, चलो कोई बात नहीं, 78 रुपये हमें मिल गए इसमें, और इसी के साथ हमारा इंसेंटिव भी तो पूरा हो गया भाई, इंसेंटिव भी तो दिखाओ, 50 रुपये आए नहीं आए, हाँ भाई 50 रुपये इंसेंटिव भी आ गए, टोटल कितनी अर्निंग हो गई, 476 रुपये की, लगभग 500 रुपये की। और गाड़ी कितनी चली आज सुबह से हमारी, 10 घंटे से काम कर रहा हूँ, सुबह 12 बजे से रात के 10 बज गए, लगभग 130 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, इस हिसाब से 13×26 लगभग 250 रुपये का हमारा आज पेट्रोल लगा है। टोटल अर्निंग तीनों की, जोमेटो ऊबर और पोर्टर की, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अर्निंग बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने आज बाइक टैक्सी किया था, ऊबर में 5 राइड कंप्लीट की थी, दिल्ली में वापस से बाइक टैक्सी बैन हो गई है, जो अभी गवर्नमेंट ने फिर से चालू कर दी थी, हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया था, स्टे लगा हुआ था कि आप बाइक टैक्सी नहीं कर सकते बिना येलो प्लेट के, जो स्टे लगा था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वापस लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है जब तक दिल्ली सरकार नया कानून बाइक टैक्सी पर नहीं ला देती तब तक आप दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चला सकते, तो भाई बैन चल रहा है, बाकी चलान वलान कुछ भी नहीं हो रहा, अभी पुलिस वगैरह ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही, तो अगर जो भी काम करना चाहते हैं अपने रिस्क पर करना, जब तक गवर्नमेंट का कोई
रूल नहीं आ जाता, जब तक कोई दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस नहीं आ जाती, बाइक टैक्सी पर कोई कानून नहीं बना देती गवर्नमेंट, तब तक भाई बाइक टैक्सी बैन ही है दिल्ली में। और सुनने में आ रहा है 30-31 तारीख तक नया कानून आ जाएगा, तो तब तक भाई अपने ध्यान से चलाना, खुद के रिस्क पर चलाना। ये नहीं कि हमारी वीडियो देख के आप बाइक टैक्सी चला रहे हो फिर आपका चलान कट रहा है। तो मैंने कि थोड़ा सा बता दूं भाई, मैं भी अपने रिस्क पे ही कर रहा हूं, ध्यान से कर रहा हूं, जहां मुझे लगता है कि हाँ भाई इतना भाई चलान वलान का डर नहीं है, उसी लोकेशन में मैं जा रहा था और ज़्यादा मैं राइड नहीं ले रहा था, 5 ही राइड करी हमने। तो ये थोड़ा बाइक टैक्सी का ध्यान रखना भाई, जैसे ही नया कानून आ जाएगा तो मैं अपडेट दे ही दूंगा, आपको भी पता लग ही जाएगा। तो अब अर्निंग देख लेते हैं आप मोबाइल स्क्रीन पे आके। मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हम 16 जून शुक्रवार को, हमने जोमेटो में मात्र 4 घंटे काम किया, 4 घंटे में हमारी 8 ट्रिप 9 ऑर्डर होते हैं, जिसकी टोटल अर्निंग होती है ₹529, में से 426 ऑर्डर अर्निंग, जिसमें ₹5 लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे के भी शामिल है। वहीं दिन में 20% एक्स्ट्रा सर्ज चल रहा था, अगर आप 12 से 4 बजे तक काम करते तो आपको ₹20 एक्स्ट्रा मिलेंगे हर ऑर्डर पे, तो ₹103 हमें सर्ज मिला है। वहीं ₹15 ड्रॉप इंसेंटिव भी चल रहा था, तो शुक्रवार का ये ड्रॉप इंसेंटिव हर ऑर्डर पे ₹15 एक्स्ट्रा भी दे रहा था, तो ये ₹15 एक्स्ट्रा 9 ऑर्डर के ₹135 हमें मिलेंगे। और जो भी ये इंसेंटिव होता है ना, तो ये आपकी नेक्स्ट वीक आपकी अर्निंग में ऐड होता है, हाथों हाथ ऐड नहीं होता। काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमारा इंसेंटिव कंप्लीट हो गया लेकिन ऐड नहीं हुआ, तो भाई जो भी इंसेंटिव होता है वो नेक्स्ट वीक ऐड होता है। वहीं फिर हमने शाम को ऊबर में भी काम किया था, ऊबर में देखो मैंने 5 ट्रिप कंप्लीट कर दी थी, ₹439 की मेरी अर्निंग हुई थी, ₹439 में से ₹389 हमें नेट फेयर और ₹50 हमें इंसेंटिव मिला था। और वहीं हमने पोर्टर में भी 3 पार्सल कंप्लीट किए थे, देखो पोर्टर की भी ये आप अर्निंग देख लो, 3 पार्सल की मेरी ₹318 की अर्निंग हुई थी। टोटल करें तो इनके तीनों का टोटल होता है जोमेटो ₹529 जोमेटो की अर्निंग, ₹135 इंसेंटिव, ऊबर के ₹339 और पोर्टर के ₹318, टोटल करेंगे तो ₹1421 की हमारी टोटल अर्निंग होती है। मेरी गाड़ी 130 किलोमीटर चली थी, उस हिसाब से मान लो आप ₹270 का हमारा पेट्रोल लग गया, ₹271 पेट्रोल के भी हटा देते हैं, तो हमने 10 घंटे में लगभग ₹1150 की अर्निंग कर ली। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार वीडियो के साथ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाके लाइक और शेयर ठोक के बाद। दो दूनी चार, पक्के बदमाश सारे सारे मेरे यार।